भाई टाइटल तो आपने देखा होगा, लेकिन माफ करना ये बिल्कुल कड़वा सच है। देखो मैंने अभी तक मोर देन 20 स्मार्ट वॉच यूज किए हैं, एप्पल के वॉचेस, कुछ चाइनीज वॉचेस, और दिखा रहा हूँ जो मेरे पास आ रहे हैं, ये सैमसंग के वॉचेस है, एक्टिव 2 है, सैमसंग 4 है, और कुछ भी स्मार्ट वॉच स्मार्ट बैंड्स आ रहे हैं, और ये बोट के स्मार्ट वॉच। यार रियलमी ब्रांड, जितने भी ब्रांड्स के स्मार्ट वॉच होते हैं उसमें होता क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने जितने भी स्मार्ट वॉच यूज किए हैं सारे के सारे एक ही फीचर्स, एक तो देखने में सारे एक। अब जैसे ये देख लो, बोट वाले स्मार्ट वॉच है या एप्पल वाले स्मार्ट वॉच है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, देखने में दूर से कुछ पता नहीं चलेगा कि ये बोट क्या है या एप्पल क्या है, ये कौन सी कंपनी के आ गए। मालिक मेरे सबके फीचर्स फंक्शन सब में एक है। क्या पेडोमीटर सेंसर सब में कॉमन है, इसके बाद हार्ट रेट के लिए जो मॉनिटर किया जाता है वो उसमें अवेलेबल होता है, किसी किसी में SpO2 की फैसिलिटी मिल जाती है, किसी में ब्लड प्रेशर की फैसिलिटी, लेकिन ओवरऑल जितने भी अच्छे स्मार्ट वॉच आते हैं सबका एक ही रिजल्ट है भाई। इस काम करे क्या, हर 30-30 मिनट पर, हर आधे घंटे पर हार्ट रेट का जो है ना वो नाप के मेजरमेंट करके बताता है कि भैया इतना हार्ट रेट हो गया, क्या करना लेकर इस डेटा का। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरी इतनी ओल्ड एज हो गई है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सर्जरी भगवान ना करे कलो के करवाना पड़ा, तो अगर मैं पहनता हूं वहां पे तो थोड़ा समझ में आता है, बट इसकी जरूरत क्या है हम लोगों को यार। अननेसेसरी हार्ट रेट सेंसर दे रहे हैं, SpO2, अभी क्या कोरोना फैला हुआ है क्या, जो SpO2 लगा के हम चेक करेंगे कि मेरे ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कभी सांस लेने में तकलीफ होती है उसके लिए वो चीज होता है SpO2, जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना वो पता करते हैं। नॉर्मली जितने भी स्मार्ट वॉच होते हैं उसमें ये फीचर है, 700 एक्टिविटी है, किसी में 1000 एक्टिविटी है, भाई मेरे ये एक्टिविटी का यूज कहाँ पे है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जितना भी स्मार्ट वॉच है, और एक बार पता है इसको पहनोगे ना थोड़ी देर में यहाँ पे पसीना हो जाएगा, नॉर्मल स्मार्ट वॉच में जितना नहीं होता क्योंकि ये रबर का स्ट्रैप होता है, कोई भी स्मार्ट वॉच देख लो ना मैक्सिमम में रबर का ही इसका सॉफ्ट मिलेगा, और दिखाते देखो यार वीडियो में तो बोलना पड़ता है कि अच्छी क्वालिटी, ठीक है आप मान लो कि एक घड़ी आपको चाहिए तो आप पहन लो, कोई सा भी स्मार्ट वॉच नॉर्मल सा ले लो यार। मतलब अलग अलग ब्रांड्स के जो स्मार्ट वॉच आते हैं मतलब उसमें इतना इतना प्राइस होता है, 2000, 3000, 4000, 40000, 50000 तक की बात, भाई साहब कहां का क्या करना भैया इतना महंगा स्मार्ट वॉच लेके। अगर फायदे की बात करोगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज स्मार्ट वॉच में अच्छी लगती है, पता है क्या, अगर मैं बाइक चलाता रहता हूं अगर किसी के कॉल आ जाते हैं तो हाँ अच्छा दिवाकर फोन कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो अरे यार इससे बाद में बात करेंगे, बहुत चाटता हटा उसको, कॉल नहीं लेना बाद में, अरे अच्छा घर से फोन है कि मम्मी का फोन है, हाँ शायद कुछ जरूरी बात होगा, चलो बाइक को साइड लगाते हैं बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा मुझे सारा फीचर्स एकदम बकवास लगता है, दूसरा लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, नहीं तो आप नीचे कमेंट में फालतू फालतू बात लिखोगे, लेकिन आप मुझे प्लीज कमेंट करके ये बताओ क्या रियली में स्मार्ट वॉच है इतनी यूजफुल है जितना दिखाया गया है कि भाई स्मार्ट वॉच का जमाना आ गया, स्मार्ट वॉच नहीं लगाओगे तो ये वो। अब स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करके होगा क्या आपके फोन में क्या कॉल होगी, हाँ कुछ वाले फोन आ गए ब्लूटूथ वाली कॉलिंग, याद आ गया है बोलने का है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर्स आ गया स्मार्ट वॉच में। तो मतलब आपको अगर किसी को फोन करना हो तो जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं है, फोन में नंबर डायल करो और फोन मिला दो, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी आ जाएंगे, किसी के फोन आएंगे तो रिसीव करके बात भी कर सकते हो, हेलो हेलो कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई एक चीज बताओ, तुम ऑफिस में हो पब्लिक प्लेस पे हो, स्पीकर पे बात होती है, ऐसे कान लगा के बात करोगे कितनी देर बात कर पाओगे, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, भाई मैं हगने जा रहा हूँ, इससे ऐसा तो कुछ बात कर नहीं पाओगे। तो सीधा सा बात है भाई कि देखो ये स्मार्ट वॉच सारा का सारा है बकवास, सिर्फ दिखाना है तो भैया खरीद लो सस्ता सुविधा 1000, 1200, 1500 की, कोई मतलब नहीं बनता 40000, 20000, 30000 वाले स्मार्ट वॉच खरीदने की, मेरा ये अपना ओपिनियन है, बाकी आपका क्या है नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको चीज बता दूं, स्टार्टिंग में 1 महीना 10 दिन 15 दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाओगे, पेडोमीटर सेंसर पे चेक करोगे, भाई मैं तो आज 1 किलोमीटर चला, भाई 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 मैंने 3 किलोमीटर चला, तो भाई मैंने इतना रस्सी कूदा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, 2-4 दिन करना है, उसके बाद वॉकिंग करना है, बस ठंडा हो जाना है। रियली बता रहा हूँ भाई, अगर विश्वास नहीं होता तो भैया 10000 की 15000 की 20000 की जितना पैसा उतना मर्जी स्मार्ट वॉच खरीद लेना, और नीचे दिन 1 महीने के बाद आप प्लीज प्यारा सा कमेंट कर देना कि भाई मैंने क्या जो बताया था सही बताया नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्ट वॉच इतना बुरा है, आप खरीद लो, लेकिन जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया ना वो पर्पस हम लोगों के लिए आजकल फुलफिलमेंट नहीं होता है, जो हेल्थ जो फिटनेस के लिए बनाया गया, हेल्थ फिटनेस के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जितने भी स्मार्ट वॉच होते हैं ना सस्ते वाले, मतलब 1000, 2000, 5000, 10000 वाले, इसकी डेटा एक्यूरेट नहीं होते हैं, 30000, 40000 के जो एप्पल के 50-70000 वाले जो आते हैं ना उसके भी डेटा ठीक ठीक होते हैं, एवरेज ऑन एवरेज होते हैं, बहुत एक्यूरेट नहीं होते ना पेडोमीटर सेंसर की, ना कैलोरीज की, ना ऑक्सीजन लेवल की, ना ब्लड प्रेशर की। इनफैक्ट जो ब्लड प्रेशर टेस्ट करने की जो डिवाइसेज होती है स्पेशली जो मिलती है जिससे हम लोग बीपी टेस्ट करते हैं,
उसके भी एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो ये तो स्मार्ट वॉच, इसमें मल्टीपल फंक्शन है, वो स्पेशल वन फंक्शन के लिए बना है, चाहे बीपी टेस्ट करने वाला हो या SpO2 टेस्ट करने वाला हो, कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो फिर ये स्मार्ट वॉच कहां से होगा, समझा करो सीधा सा बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा स्मॉल वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर से जरूर मुझसे बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, और दोस्तों में प्लीज आप इसको शेयर करो। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।